Hi, this is Junaid Jamshed, and you're watching the number one program on television, Dhanak. ये बताएं कि बहुत अरसे से आप म्यूजिक के सिनेरियो से बिल्कुल गायब हैं, क्या वजह? वजह मेरे ख्याल से शायद ये है कि ऑनेस्टली आई थिंक थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई है, यानी थोड़े से हम लेजी हो गए। ये बताइए जुनैद कि आप की जितनी एल्बम्स पिछली निकली हैं, आपने मोस्टली काम शोएब मंसूर साहब के साथ ही किया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? एक्चुअली द थिंग इज कि शोएब वैसे तो लोगों को देखने को मिलते हैं वाइटल साइंस में, जुनैद, शहजाद, रुहेल और आमिर हो गए या रिजवान हो गए, लेकिन वो लोगों को सामने कैमरे के देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शोएब मंसूर इज वेरी मच पार्ट ऑफ द वाइटल साइंस। शोएब उतनी वाइटल साइंस है जितना मैं हूँ या शाही या रुहेल। अच्छा। क्योंकि बल्कि शायद ज्यादा, क्योंकि वाइटल साइंस की कुछ हिट सॉन्ग्स जो थे उनको बनाने में भी शोएब ने बड़ा मेजर किरदार अदा किया। जैसे ये शाम फिर नहीं आई, गोरे रंग का जमाना, सांवली सलोन और बहुत सारे नाम हैं, एतबार भी आ ही जाएगा। तो ये है कि लेकिन वो क्योंकि कैमरे के सामने नहीं होते इसलिए लोगों को पता नहीं होता। और शोएब की क्योंकि अपनी भी एक एंटिटी है एज अ वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसर, इसलिए वो वाइटल साइंस के छोटे से कूजे में फिट नहीं होते। अच्छा, जुनैद किसी और के साथ काम किया बिसाइड्स शोएब मंसूर? हाँ, शोएब साहब के अलावा हम मेरे और शोएब के बल्कि कॉमन फ्रेंड हैं हसन अकबर कमाल साहब। अच्छा। हसन अकबर कमाल साहब के बारे में बता दूं कि आलमगीर के लिए और नैयरा के लिए और टीना के लिए टेलीविजन पर तकरीबन 150 गाने वो लिख चुके हैं। लेकिन ये है कि प्रेडोमिनेंटली काम जो है वो शोएब के साथ ही किया। यू फील मोर कंफर्टेबल विद हिम? मोर कंफर्टेबल के अलावा तबीयतें एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिलती हैं, बहुत ज्यादा मिलती हैं, शॉकिंग रिजेंबलेंस है पर्सनैलिटीज का हमारा शोएब के साथ। वही उनकी सेंसिटिविटीज, वही उनकी उनका एक सर्टन टेस्ट, वही उनका एक स्टाइल ऑफ म्यूजिक लिसनिंग, वही मेरा बनाने का म्यूजिक बनाने का स्टाइल। मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि ये जो मैंने धुन बनाई है शोएब इस पे इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे एग्जैक्टली पता होता है। और ये कि मैं मतलब उनको सुनाने से पहले ही ना तो रिजेक्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसके ऊपर उन्होंने बोलना है कि जुनैद ये क्या तुमने गंदी धुन मुझे दे दिया है जिसमें मुझे लिखना पड़ रहा है कुछ। और फिर ये कि एक शोएब का वो जो एक एक, एक वो है कभी ना सेटिस्फाइड होने वाली एक स्ट्रीक जो उनके अंदर really? यस मतलब हम अभी के मजाक में कभी कभार हम तो कहते हैं कि अगर शोएब साहब अपने निचले होंठ को ऐसे करके पकड़ लें इसका मतलब है कि गाना अच्छा है। अच्छा, अच्छी अच्छा है। जब हम पूछते हैं कि सर आपका क्या ख्याल है इस गाने के बारे में, वो कहेंगे देख ले आप, दैट मींस अच्छा, दैट मींस इट्स अ ब्रिलियंट सॉन्ग। ओके। अच्छा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, लेटली कोई वाइटल साइंस की एल्बम नहीं निकल रही, आपकी एक जलास निकली थी, दैट वाज अ सोलो एल्बम, तो क्या बैंड खत्म हो गया, टूट गया, लड़ाई हो गई, क्या हुआ? नहीं, मैं तुम्हारे देखने वालों और सुनने वालों को वंस एंड फॉर ऑल बता दूं कि मैं, शाही और रुहेल एक दूसरे के बिल्कुल बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को तब से जानते हैं जब स्कूल कॉलेज के जमाने से, शादियाँ एक दूसरे के सामने हुई, बच्चे भी एक दूसरे के सामने हुए, बैंड भी एक साथ ही बना। तो हमारे लिए बैंड का तोड़ना जो है वो वैसे ही चाहे आप लोग चाहें ना चाहें नामुमकिन है, क्योंकि वो बैंड हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्ती की कहानी है, हमारी जो ज़िंदगी साथ गुजरी है वो ये समझ लो कि वाइटल साइंस हम तीनों का सफ़रनामा है। तो हमारे लिए उस बैंड को तोड़ना जो है वो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तोड़ेंगे तोड़ के कहाँ जाएंगे, वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। सिर्फ ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं किसी और काम में थोड़ी देर के लिए लग गया, रोहेल भी अपने कामों में लग गया, शहजाद भी अपने कामों में लग गया, तो उसमें ज़रा मिलके साथ बैठने का मौका नहीं मिलता कि म्यूज़िक बनाएं। वाइटल साइंस इज़ वेरी मच देयर, बल्कि अभी हम लोग टॉर लगा कर आए हैं यूके का। अच्छा जुनैद, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इनटू दीज इस्लामिक एंड रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, और म्यूज़िक भी आपके साथ है, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली सोनिया, जैसे कि मैं म्यूज़िक के अंदर आया ना शुरू में, तो क्योंकि
उम्र भी छोटी थी बचपना, तो मैंने नहीं एक्चुअली फोर्सी किया कि लाइफ में मेरे साथ आगे अभी क्या होना है। इसी जब आदमी पब्लिक फिगर बनता है तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, और वो जो खिलंडरापन और लावाली सी जो जिंदगी में जो लावालियत होती है ना, वो उसको ख़त्म करना होता है, क्योंकि आपके जो एक्शंस होते हैं ना, उन एक्शंस से लोग रिएक्शंस लेते हैं। और अगर आपको कोई एक रोल मॉडल समझ रहा है तो वो ज़्यादातर वही चीज़ें करेगा जो आप कर रहे हैं। तो मैंने मुझे इस बात का एहसास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। लोग मुझे ये कहते थे, भाई आप कौमी नगमे इतने क्यों करते हैं? तो मैं कौमी नगमों को क्योंकि एक ज़रूरत समझता था और अभी भी समझता हूँ माशरे की, तो मैं कौमी नगमे करता था। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम जुनेद ही है, स्कूल फ्रेंड था। ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, सुन्नत के मुताबिक तैयार होता है वो। और फिर ये है कि उसका उठना बैठना बुजुर्गों में होता था, उलमा में उसका उठना बैठना होता था। उसकी आदत बहुत ही अच्छी थी, लोगों के साथ अच्छा करना उसने, और इस हाथ दे उस हाथ, इस हाथ को ऐसे इससे दे ऐसे दे के इस हाथ से पता ही ना चले, ये उसकी आदतें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैं उसके साथ उठना बैठना मेरा ज़्यादा हो गया, फिर क्योंकि वो भी बुजुर्गों में बैठता था मेरा भी बैठना हुआ। वहाँ पर और कुछ सीखने को मिला मुझे, और मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि इस्लाम कितना फितरी दीन है। इट्स अ नेचुरल रिलीजन, द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आर वेरी वेरी ईजी, और अगर हम अपनी ज़िंदगी में उनको अपनाना शुरू कर दें तो उससे हमारी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और सिर्फ क्योंकि हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि इन टीचिंग्स को एक्सेप्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, हमको ये लगता है यार ये हमसे होगा कैसे, लेकिन जिस सेकंड हम उसको करते हैं हमें एहसास होता है कि यार अरे ये तो इतना आसान। जैसा मसवाक करना जैसे हो गया, मिसाल के तौर पर मुझे 15 साल से दांतों की प्रॉब्लम थी, मैंने सिर्फ मसवाक करना शुरू की, 6 महीने में मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। मतलब ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और फिर ये कि आदमी अपनी तबीयत भी आदमी जो है ना वो थोड़ा बेहतर होता रहता है, और आपको पता चलता है कि हमारे जो हीरोज़ थे इस्लाम में, इस्लामिक हीरोज़ जो थे वो कैसे कैसे थे। मैं आज सोचता हूँ कि वेस्ट के पास तो कोई हीरो ही नहीं है, उनके हीरोज़ कौन हैं? सुपरमैन और बैटमैन और अपना क्या कहते हैं, और जैसा मैंने बोला कि क्योंकि मैं एक छोटी उम्र से ही पब्लिक फिगर बन गया था, तो मैंने इस चीज़ की ज़रूरत भी समझी कि मैं ऐसे लोगों में बैठूँ और इन लोगों से मैं जो कुछ सीख सकता हूँ उसको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेकर आऊँ। अच्छा, सुनने में यह है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो जुनेद जमशेद हैं वो एक तरफ तो तबलीग करते हैं और दूसरी तरफ म्यूजिक की तरफ हैं। सो हाउ डू यू रिएक्ट जब लोग आपसे इस तरह की बात करते हैं? देखो, द थिंग इज कि मैं म्यूजिक को भी म्यूजिक इस्लाम ने उस तरह नहीं मना किया जिस तरह के हम पोर्ट्रे करते हैं। इस्लाम ने हर उस चीज को मना किया है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, म्यूजिक भी हमने अगर किया है एज वाइटल साइंस भी और एज जुनेद जमशेद भी, जब भी म्यूजिक किया है तो उसके अंदर हर बात पॉजिटिव बात की है, कभी तो पेट्रियाटिज्म की बात की है। जिस तरह हम लोगों ने मौला किया, मौला में क्या किया, 50 साल गुजरे, लोगों ने बोला यार आप एक कौमी नगमा बनाए, हमने बोला भाई कौमी नगमे बड़े सुन लिए, 50 साल गुजर चुके हैं, इस नगमे को इस तरह किया जाए कि इसमें अल्लाह से दुआ की जाए, मौला हो तेरा करम, आए यहाँ खुशहाली की बहार इस मुल्क। तो आप जिस म्यूजिकली भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिवली करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस एंड सेंसिटिविटीज इन योर पोएट्री, उसके अंदर भी देर शुड बी नो वल्गैरिटी, देर शुड बी अ लॉट ऑफ क्लीनलीनेस, और इस चीज़ को हमने हमेशा मेंटेन किया। मैं हमेशा सोसाइटी के जो ईवल्स हैं उनको हमेशा मैंने डिसरिगार्ड किया है। मैंने कभी वेस्ट के किसी म्यूजिशियन को कॉपी करने की कोशिश नहीं की। आपने जो आपका पहला गाना था दिल दिल पाकिस्तान, दैट वाज अ बिग हिट, उसके बाद आप लोगों ने क्या हमेशा प्लान आउट करके कहा है कि नहीं अब जो गाना हो इट शुड बी अ हिट? ये प्लान करके गाना करेंगे कि ये गाना हिट हो तो मैं, आप मेरे से गारंटी ले लें वो गाना कभी हिट नहीं होगा। अच्छा, कभी नहीं होगा, नेवर। जीतेंगे जिस तरह था, नहीं जीतेंगे, हिट क्यों हुआ? लोग 96 के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है, जीतेंगे हमने किया था 95 के अंदर। ये गाना हमने वर्ल्ड कप के लिए नहीं बनाया था, वो तो क्योंकि जीतेंगे का लफ्ज आ गया और फौरन ही अगले साल वर्ल्ड कप आ गया तो लोगों ने कहा कि यार ये इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए बना दिया।
वर्ल्ड कप के लिए मैं अंदर से नहीं फील करता भाई, वर्ल्ड कप को तो मैं जाके बाहर देख के एंजॉय करना चाहता हूँ। मतलब मेरे अंदर से कुछ, मतलब कोई मेरे अंदर कोई बलबला नहीं हो रहा एलन डोनाल्ड को जाके गेंद करते हुए देख के, या ब्रायन लारा को बैटिंग करते हुए देख के, या सईद अनवर को चौके लगाते हुए देख के। मतलब मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन मेरे मतलब मैं उसके ऊपर गाना नहीं लिखना चाहता। तो ये मतलब जैसे मैंने बोला ना, मैं हालात जो है ना, हालात और सर्कमस्टांसेस, ये मुझे इंस्पायर करते हैं गाना लिखने के लिए। इंस्पिरेशन की बात हो रही है, ये बताइए कि पॉप बैंड्स जो हमारे यहाँ हैं, उनमें से आप किन को कहेंगे कि ये अच्छा काम करें? भाई मैं हर उसको अच्छा कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि उसकी म्यूज़िक मुझको पसंद हो या ना हो, लेकिन जो भी काम इखलास से यानी सिंसेरिटी से और हार्डवर्क से कर रहा है ना, वो अच्छा है और वो आगे जाएगा। सलमान एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है? ये जो मेरी एल्बम है ना उस राह पर, इसको बने हुए भी तकरीबन 4-6 महीने हो चुके हैं, और पता नहीं मेरी सुस्ती कह लो या ये कह लो कि थोड़ा सा बिजी रहा कुछ और कामों में, जिनका भी मैं तुमसे बाद में जिक्र करूँगा, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इस एल्बम को रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगा, वरना ये एल्बम थोड़ा पहले रिलीज़ हो जाती। अच्छा, तो इस एल्बम में जो जो कुछ है वो सब आपकी मर्जी और यू नो द वे यू वांट इट, तो इस तरह है? मैं ये समझ लो कि इस एल्बम के अंदर मेरी ज़िंदगी की के एक्सपीरियंसेस हैं, ज़िंदगी के तजर्बे हैं, शुएब की सेंसिटिविटीज़ हैं, शुएब के इमोशंस हैं, ये वजूहत थी। यस, मतलब ये कि मैं इसमें ज़रा थोड़ा सा लगा हुआ था, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं फिर कुछ अरसे के लिए रेवन चला गया, वहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अच्छा, देखने में आता है कि जो लोग होते हैं बहुत उनको लग्जरी इन सब की आती है, जब आप वहाँ जाते हैं तो कैसे रहते हैं आप वहाँ? भाई वो मैं अब तुम्हें ये समझ लो कि अगर जैसे चावल की एक बेग है ना, मैं सारी रात उसकी तारीफ करता रहूँ, सुबह तुम एक नवाला चखोगी सारी बात समझ में आ जाएगी। ये तो तुम्हें जब वहाँ पर कोई जाएगा उसको ही समझ में आएगा भाई, जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जा रहा है, तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जा रहा है, इतना बड़ा नाम है कि अब यहाँ पर हम किसी सियासी रहनुमाओं के लिए नारे लगाते हैं तो वो हमें गले लगा लेते हैं, तो जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाएगा वो जगह, तो उस जगह पर तो नूर ही नूर होगा। वहाँ के बताएं कि वहाँ के फैंस, वहाँ हैं आपके फैंस आई एम श्योर होंगे, बेशुमार, कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपको वहाँ देख के? भाई वहाँ की जो फैंस हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम उनको वहाँ के जो फैंस हैं, ओके, वहाँ के और की जो फैंस हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि हम उनको यहाँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर रोज ही लोग देख लेते हैं, कभी टीवी पे देख लिया, कभी स्टेज पे देख लिया, वहाँ के लोगों को हम साल में एक बार नजर आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाके जो जो आपके जो हमवतन होते हैं पाकिस्तानी, वो वैसे ही थोड़े से अपने मुल्क के बारे में सेंसिटिव हुए होते हैं, ठीक है ना, तो उन वैसे ही अंदर से थोड़े से अपने मुल्क के बारे में बड़े इमोशनल होते हैं, तो उनके मुल्क की कोई चीज़ जब उनके पास आती है तो उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा फ्रेंजीड रिएक्शन होता है। अभी हम लोग मिसाल के तौर पे अभी हम लोग गए हुए थे, हमें BBC ने इनवाइट किया था पाकिस्तान से ट्रिब्यूट देने के लिए वाइटल साइंस को, 10-11 साल हो गए थे, बर्मिंघम के अंदर हम लोग गए थे, तो वहाँ का एक NEC ऑडिटोरियम है, नेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम्स इन UK, यानी जो इंग्लैंड का जो टॉप स्टार है वो वहाँ पर जाके अगर प्ले करे तो वो फख्र महसूस करेगा। मतलब अच्छा। वहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स, पिंक फ्लॉयड हो गया, फिल कॉलिंस हो गया, स्टिंग हो गए, मैडोना हो गई, स्पाइस गर्ल्स, ये लोग वहाँ जाके प्ले करते हैं। उन्होंने हमें वहाँ पर उन्होंने एक मेला किया था, एक मेगा मेला किया, उसमें उन्होंने हमें इन्वाइट किया। एवरी टाइम वाइटल साइंस स्टेज पर जाते थे तो 7-8 हज़ार की ऑडियंस आपको वैसे देखी होती थी, और बाहर मुल्क में जाके इतनी ऑडियंस जमा करना, इट्स नॉट इजी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का क्या फ्यूचर है? देखो फ्यूचर तो एज सच हम किसी चीज का डिटरमाइन नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ एक व्हाट कैन यू प्रेडिक्ट, एक हां प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूं, एक वो ये कर सकता हूं मैं कि वो सरवाइव करेगा जो इस काम को काम समझ के करेगा। जिसने इसको हॉबी समझ के किया वो ये भूल जाए कि लोग उसको सीरियसली लेंगे,
आप जब अगले को ये कहते हैं कि भाई म्यूजिक मेरा काम नहीं है, मेरी हॉबी है, फिर आप ये एक्सपेक्ट भी मत करें कि लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपको भी नॉन सीरियसली लेंगे लोग। एक दिन रोयल शहजाद मेरे सामने बैठे हुए थे और मैं उस टाइम पर इंजीनियरिंग खत्म करके जॉब कर रहा था और मुझे जॉब करते हुए एक साल हो गया था और मेरे पेप्सी ने हमें बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त हम लोग साइन करने लगे तो साइन करने से पहले रोहेल शहजाद ने मुझे बोला, जुनेद देखो अगर तो इस काम को तुमने 200% करना है, सीरियसली करना है, तब हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट को हम उस वक्त तक पूरा नहीं कर सकते जब तक तुम इसको 200% इस काम को ना करो। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देन आई लेफ्ट जॉब देन आई डिड द सीरीज। ये बताएं कि घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया जब आप म्यूजिक की तरफ आए? घर वालों ने अच्छा तो आपकी बेगम एतराज़ नहीं करती, फैंस वगैरह फोन करते होंगे, आते होंगे? अब तो खैर उसने वो हले वो कड़वा क्या होता है, घूंट पी लिया, कड़वा घूंट पी लिया। लेकिन ये कि शुरू में शादी के 2-3 साल शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, नहीं पसंद करती थी? ऑब्वियसली कौन औरत पसंद करेगी। अच्छा, एनी मैसेज, एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं, सब बैठ के देख रहे हैं, तो कुछ कहें उनके? भाई मैं उनको यही बोलूँगा जो मुझे मेरे आइडियल ने किताब बोला था। मैं इमरान खान वॉज ऑलवेज माई मैं जब टीन एज आइडल थे मेरे, और आई टू दिस डे आई मीन आई एम वेरी लकी ही इज़ नाउ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ माइन। तो ही वंस टोल्ड मी के अगर ज़िंदगी में दो चीज़ें अपनाओगे ना तो उसका रिजल्ट हमेशा देखोगे। एक जिस काम को भी करो सिंसेरिटी से करो, इखलास से, कोई और मोटिव उसके बीच में ना हो। और हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अल्लाह हमेशा रिवॉर्ड करता है, चाहे वो कोई भी करे, मुसलमान करे गैर मुस्लिम करे। तो ये दो चीज़ें तुम जो है ना, ये अगर तुम इनको लाइफ में अपनाओगे तो इसके रिजल्ट्स हमेशा देखोगे। एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, मैंने तो वो रिजल्ट्स देखे। अच्छा, जो आपके फैंस हैं वो बगैर म्यूजिक भी आपको कभी सुनने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो कुछ सुनाएंगे आप अभी? पुरानी एल्बम से ही सुनोगी? हाँ, पुरानी सुना दे। अच्छा। नहीं तो एक दफा ही आया ना ताकि। अच्छा चलो, मुझे ये गाना बड़ा पसंद है, तुम्हारा और जंगल में दरख्तों पर अभी लिखा हुआ है, तुम कभी जाके मिला